जैसे कि हम जानते ही हैं, भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न धर्म जाति के लोग रहते हैं। इन धर्मों में कई तरह के रीति रिवाज और परंपरा होती हैं। खास तौर पर हिंदू धर्म में तो किसी शुभ काम या कोई खास मौका हो उसके लिए कोई ना कोई रीति रिवाज जरूर होता है। तो वहीं हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं का 16 श्रृंगार बहुत महत्व रखता है। इस 16 श्रृंगार में माथे के टीका से लेकर पाँव में पहनने वाली बिछिया तक हर चीज का अपना अलग महत्व है। आपको बता दें, माथे का सोने का टीका और पैरों में चांदी की बिछिया का भाव होता है कि सोने का टीका आत्मकारक सूर्य और चांदी के बिछिए मन कारक चंद्रमा दोनों की कृपा जीवन भर बनी रहे। बिछिया जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म की महिलाएं पहनती हैं। कई लोग तो इसे सिर्फ शादीशुदा होने का प्रतीक मानते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर बात करें बिछिया पहनने के पीछे वैज्ञानिक कारण की, तो वो शायद ही आप जानते होंगे। ये बात वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध हो चुकी है कि बिछिया पहनने का सीधा संबंध आपके गर्भाशय से है। विज्ञान में माना जाता है कि पैरों के अंगूठे की तरफ से दूसरी अंगुली में एक विशेष नस होती है जो गर्भाशय से जुड़ी होती है। ये गर्भाशय को नियंत्रित करती है और रक्तचाप को संतुलित कर इसे स्वस्थ रखती है। चलिए आपको बताते हैं बिछिया पहनने के पीछे की खास वजहों के बारे में। बिछिया एक्यूप्रेशर का भी काम करती है, जिससे तलवे से लेकर नाभि तक की सभी नाड़ियां और पेशियां व्यवस्थित होती हैं। भारत में शहरी क्षेत्र के में इसका चलन बहुत कम हो गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इसकी महत्ता बरकरार है। ऐसा कहा जाता है कि पैर की दूसरी उंगली में तंत्रिका का संबंध गर्भाशय से होता है और ये हृदय से होकर गुजरती है। अगर आप इस बात पर ध्यान दें तो पाएंगे कि बिछिया हमेशा दाहिने तथा बाएं पैर की दूसरी उंगली में ही पहनी जाती है। ये गर्भाशय को नियंत्रित करेगी और गर्भाशय से संतुलित ब्लड प्रेशर द्वारा उसे स्वस्थ रखेगी। वही बिछिया आपकी प्रजनन शक्ति को मजबूत करता है। आपको बता दें, महिलाओं में फर्टिलिटी बढ़ाने का ये सबसे आसान उपाय है। अगर हम आपको आयुर्वेद के अनुसार बिछिया का महत्व बताएं तो आयुर्वेद की मर्म चिकित्सा में महिलाओं में फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए बिछिया के महत्व को माना गया है। साइटिक नर्व की एक नस को बिछिया दबाती है, जिस वजह से आसपास की दूसरी नसों में रक्त का प्रवाह तेज होता है और यूट्रस, ब्लैडर और आंतों तक रक्त का प्रवाह ठीक होता है। तो वहीं आजकल की महिलाओं ने तो बिछिया पहनने का फैशन भी बना लिया है। बाजारों में अब विभिन्न डिजाइन के बिछिया बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। सुहागन के 16 श्रृंगार में शामिल बिछिया अगर आपको किसी कुंवारी लड़की के पैर में दिख जाए तो हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फैशन के लिए लड़कियां कुछ भी करने को तैयार हैं। महिलाओं के पैरों की सुंदरता बढ़ाने वाली बिछिया अब टो रिंग हो गई है। जी हाँ, बदलते समय में जहाँ फैशन बदला, वहीं औरतों के गहने पहनने के स्टाइल और नाम में भी बदलाव आए हैं। जो भी हो, थोड़े हेर फेर के साथ टो रिंग ने बिछिया की जगह लेनी शुरू कर दी है। ये टो रिंग हर उम्र की महिलाओं को लुभा रहे हैं, चाहे वो कामकाजी महिलाएं हो, गृहिणी हो, सभी बिछिया के सदा पर दिल से फिदा हैं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आरती की रिपोर्ट।